और ठंड पे बेसिकली चाहते हैं कि हर किसी को अच्छी तरह से जीने का मौका मिले। इस ठंड में जो बाहर ये आउटसाइड रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, इनके पास रहने के लिए कपड़े नहीं होते, कोई गर्म कपड़ा ब्लैंकेट्स नहीं होते, तो इसलिए हमने सोचा कि हम तो अपने घरों में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, चलो आज इनके लिए, ये भी हमारे भाई बहन ही, इनके लिए कुछ करें। तो हमने आज यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स थे, हमने सुबह भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए और अभी यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किए। और बेसिकली हमारा यही मकसद है कि ठंड में खासकर इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी सारी बीमारियां इन लोगों में ऑलरेडी होती हैं और बीमारियां ठंड से बीमार हो जाती हैं। और जैसे हम हार्ट, वी आर फ्रॉम द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से हार्ट डिजीजेज और ठंड के बारे में बोलना चाहता हूँ और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। हार्ट डिजीजेज जो हैं कोल्ड वेदर में, इसकी जो टेंडेंसी है वो जैसे हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, एंजाइना होता है, हार्ट फेलियर होता है, ये बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? जो ठंड की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से हार्ट को हार्डर तरीके से काम करना पड़ता है, पेशेंट्स का पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? हार्ट की जो बॉडी की नाड़ियाँ ये सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ठंड की वजह से, और जो उसमें क्लाट बनने की प्रोपेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो उसी की वजह से ये